नाजरीन, गुजशत वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपने फेसबुक पर अपना पेज किस तरह से बनाना है कि जिसके जरिए से स्टूडेंट आपसे रब्ता करे, और फेसबुक बनाने के बाद इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आपने उस फेसबुक पेज की सेटिंग किस तरह से करनी है ताकि स्टूडेंट किसी और जगह ना जाए, सीधा स्टूडेंट आपके पास आए। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं कि जिनके जरिए से स्टूडेंट सीधा आपकी तरफ आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सेंटर ऑफ लर्निंग में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपने फेसबुक पर फेसबुक पेज की सेटिंग किस तरह से करनी है, किन किन बातों को मद्देनजर रखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि उसकी वजह से स्टूडेंट सीधा आपकी तरफ आए और आपसे आसानी से ईजिली कॉन्टेक्ट कर सके। तो इसके लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। आप गुजारिश है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और तमाम की तमाम सेटिंग को अच्छी तरह देखिएगा ताकि स्टूडेंट आप तक आसानी पहुँच सके। तो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, बाकी बातें आपको वहाँ पर जाकर बताते हैं। बाकी पेज की सेटिंग हमने इस तरह से करनी है कि सबसे पहले हमने जाना है फेसबुक पर, हमने पेज पर जाना, ठीक है। तो पेज पर हम चले जाते हैं। तो कल हमने एक पेज बनाया था अल अहमद कुरान सेंटर के नाम से, जो कि यहीं पर कहीं होगा, ये पड़ा हुआ है। तो इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ये हमारा पेज जो बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी सेटिंग नहीं हुई। अब सेटिंग के आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक ये है, एक कंटिन्यू का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये जो मैं हिला रहा हूँ, एक ये है। और एक आपने, अगर आपका ये कंटिन्यू वाला ना आ रहा हो, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप्स ना आ रहा हो, तो आपने जो ऊपर आपको सेटिंग नज़र आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है। जब सेटिंग क्लिक करेंगे तो पेज इन्फो, ये दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक करना है। पेज इन्फो क्लिक करेंगे तो अबाउट आपका यहाँ पर शो हो रहा है। कुरान सेंटर आपने नाम लिख लिया था, उसको चूज़ कर लेना। यहाँ पर टीचर और ट्यूटर रात को जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टीचर और ट्यूटर सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके हमने सेव कर लेना। तो उसके बाद जो है नीचे आ जाना है, ऐड वेबसाइट। अगर आपका यूट्यूब कोई चैनल है, आपका फेसबुक पर कोई पेज है, या आपका जो भी है, यहाँ पर आपने उसका जो है ना लिंक आपने यहाँ पर दे देना है। तो लिंक पेस्ट करके आपने उसको सेव कर देना है, ठीक है। नीचे है ऐड डिस्क्रिप्शन, आपने यहाँ पर अपनी एकेडमी का डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। मेरी एकेडमी का नाम ये है, मैं पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश के अंदर लिखना है, उर्दू के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यहाँ पर सारा आपने डिस्क्रिप्शन अपनी एकेडमी का, यानी इंट्रोडक्शन देना है, अपने तारुफ का सारा यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। मेरी एकेडमी का नाम ये है, मैं पढ़ाता हूँ, और मेरी सर्विसेज ये हैं, मैं नूरानी कायदा नमाज और हिफ्ज़ कुरान तफसीर हदीस सब कुछ पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ाती हूँ। यहाँ पर सारा आपने उसको अच्छे से करके लिखना है, ये आपने जो है वो उतारना नहीं है, दिल से नहीं उतारना है, उसको अच्छे से तरीके से करके लिखना है ताकि जो देखे उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और वो पढ़ता जाए और थोड़ा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, आपने ऐड फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देना, अपना फ़ोन नंबर जो कंट्री कोड के साथ आपने लिखना है, ठीक है। ये कंट्री कोड आप यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान का भी नेम आ जाएगा, ठीक है। वन सेकेंड, ये देखें, ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम पाकिस्तान यहाँ पर करके तो पाकिस्तान का कंट्री कोड लगाएंगे। तो उसके आगे फिर हमने जो है ना अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ऐसे ही हमने जो है 0321 या 0301 वाला हमने जो है वो नंबर नहीं लिखना है। जो कंट्री कोड हमारा होता है, हमारा तकरीबन ज़ीरो, सॉरी मुझे ही भूल गया, ये आ गया होगा, यहाँ पर ही आएगा पाकिस्तान स्टार 92 है, ठीक है, हमारा कंट्री कोड। आगे आपने जो है वो अपना कंट्री कोड लिख देना, नीचे आपने इसको नहीं छेड़ना, सेव कर देना, सेव करते जाना, ठीक है। इसके बाद अपना ईमेल जो है ना वो आपने यहाँ पर लिख देना, ईमेल लिख के आपने इसको सेव कर देना। नीचे आ जाना, ऐड व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, एक आपका मोबाइल नंबर होता है, एक व्हाट्सअप नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर सेम है तो आपने ऊपर मोबाइल नंबर वही लिख देना, व्हाट्सअप नंबर भी आपने नीचे वही लिख देना, लिख कर आपने उसको जो है वो सेव कर देना। नीचे आ जाएं, यहाँ पर कहते हैं कि ऐड बटन, ऐड बटन यानी आपने अगर कोई बटन चूज़ करना है तो आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं आपने, यानी आपकी जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे तो उसके नीचे वो बटन ऐड होगा, उसको क्लिक करेगा आपको डायरेक्ट कॉल हो जाएगी, या डायरेक्ट आपके मैसेंजर पर SMS आ जाएगा, या आपको व्हाट्सअप हो जाएगा। जैसे ये व्हाट्सअप भी ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, और सेंड SMS का ऑप्शन, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे ना वो आपकी पोस्ट के नीचे ऐड हो। जैसे मैं व्हाट्सअप को ऐड करता हूँ, तो इसको मैंने जैसे ही कर लिया तो ये अब मेरी यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे तो आपकी पोस्ट के नीचे जो है आपका व्हाट्सअप जो है वो शो हो जाएगा, और आपको जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो आपका जो है ना, यानी वो सीधा आपके व्हाट्सअप पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको नंबर सेव करने की या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आ जाए, लोकेशन आपने अपने घर की लोकेशन अगर यहाँ पर डालनी है, किसी और की लोकेशन डालनी है, इसको छोड़ दें, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। नीचे आ जाए हॉर्स, आपने 24 घंटे अवेलेबल यहाँ पर लिख देना है, तो ऑलवेज ओपन लिख दें या जो भी लिख दें तो करके सेव कर दें, तो आपकी पेज की सेटिंग हो रही है। मोर को आपने नहीं छेड़ना है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपने ऊपर वाली सेटिंग करनी है जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे कोई भी, और इसकी बैक पर, यह प्रोफाइल पिक्चर है और ये कवर पिक्चर है, ठीक है, आप उसको लगाएंगे तो जो है ना आपका पेज क्लियर हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, आपकी पेज की सेटिंग मुकम्मल है और आपकी जो है ना पेज भी हो गया। अब पेज पर किस तरह से काम करना है और कैसे काम करना है वो मैं इंशाल्लाह